इतिहास से वर्तमान तक मानव हमेशा भविष्य की एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता आ रहा है जब तकनीक हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना देगी, लेकिन उस दुनिया में भी औरतों की भूमिका पारंपरिक रूप से पितृसत्ता के प्रभाव में दूसरे दर्जे की होती दिख रही है। पुरुष तब भी अधिपति होंगे और महिलाएं एप्रन पहने उनके काम करती रहेंगी। हेना बारबरा के मशहूर एनिमेशन जेटसन्स की तरह, जिसमें ऑर्बिट सिटी में रहने के बावजूद जेटसन परिवार की हाउस हेल्प रोजी एक महिला रोबोट है। माइक्रोसॉफ्ट की कोर्टाना, अमेजन की एलेक्सा, गूगल की गूगल असिस्टेंट और एप्पल की सीरी, इन सब में एक बात कॉमन है, ये सभी वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं और इनका जेंडर फीमेल महसूस होता है। ये दिलचस्प है कि औरतें जिन भी क्षेत्रों में पुरुषों से संख्या में ज्यादा हैं, वहाँ उनकी भूमिका असिस्टेंस देने वाली की है। घरों में काम करने वाली बाइयां, अस्पतालों में नर्सें, स्कूलों में छोटे बच्चों की टीचर्स, दफ्तरों में सेक्रेटरीज और रिसेप्शनिस्ट, दुकान में सेल्स गर्ल्स के जेंडर डिवीजन में महिलाओं का अनुपात हमेशा से अधिक रहा है। अब वर्चुअल असिस्टेंट्स का जेंडर भी तय कर दिया गया है। यूनेस्को के मुताबिक इन वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए महिला आवाज का इस्तेमाल बताता है कि औरतों का काम महज आदमियों की मदद करना है। पिछले साल खबर आई थी कि बेंगलुरु के सेसना बिजनेस पार्क स्थित स्मार्ट वर्क्स के दफ्तर में फीमेल रोबोट मित्री को लॉन्च किया गया है। गुलाबी फ्रॉक पहने फीमेल बॉडी टाइप वाली ये रोबोट मित्री कंपनी की रिसेप्शनिस्ट है। साफ सफाई, हाउसकीपिंग का काम करने वाली इस फीमेल रोबोट को बालाजी विश्वनाथन ने बनाया है। विश्वनाथन ने मित्र भी बनाए हैं। ये मेल रोबोट हैं। ये चौड़े कंधे और वजनदार आवाजों वाले हैं। एक डीलर की दुकान में कारें बेचते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर ज्यादातर काम आदमियों के जिम्मे होते हैं, सो मित्र यहाँ तैनात हैं। हेल्पर के लिए औरत की जरूरत है, सो इस काम के लिए मित्री आपकी मदद के लिए हाजिर है। स्टीरियोटाइप्स हमेशा कायम रहते हैं। यही वजह है कि सारे वर्चुअल असिस्टेंट फीमेल जेंडर को रिफ्लेक्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के तयशुदा जेंडर के कारण और कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि ज्यादातर टेक कंपनियों में इंजीनियरिंग टीम्स के प्रमुख आदमी हैं, जो पुरुष ग्राहकों को सोचकर ही सारे प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। स्टार ट्रेक के जमाने को याद करते हुए समझा जा सकता है कि कैसे सिल्की आवाज वाले कंप्यूटर कैप्टन कर्क की मदद को हाजिर रहते थे। पुरुष ही पुरुषों के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए रोबोट जैसे जेंडर न्यूट्रल आविष्कार को जेंडर के खांचों में बांट दिया गया है। रोबोट्स के डिजाइनर्स और यूजर्स तय करते हैं कि उनका जेंडर क्या होगा। ये दोनों समूह अपने पूर्वाग्रह के आधार पर काम करते हैं और जिसका नतीजा हमारे सामने है। नतीजा यही है कि टर्मिनेटर, स्टार वार्स, रोबोकॉप, एवेंजर्स में साहसिक कार्य करने वाले पात्र पुरुषों के तौर पर कोडेड होते हैं और औरतें वहां भी सिर्फ प्रेमिका या पीड़िता या मददगार की भूमिका में होती हैं। 2014 की एक्स मशीन में वर्चुअल असिस्टेंट ईवा एक पीड़िता है। 2018 की बॉलीवुड फिल्म 2.0 में नीला नाम की ह्यूमनॉइड रोबोट हीरो वशीकरण की हेल्पर और केयरटेकर है। ये सब मधुर आवाज में अपना काम करती हैं। अगर कोई अश्लील भाषा में सीरी को संबोधित करता है तो वो जवाब देती है, आई वुड ब्लश इफ आई कुड, अगर मैं शर्मा सकती तो मैं ऐसा ही करती। एलेक्सा कहती है, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। महिलाओं की धीमी मधुर आवाज ही सबको भाती है और अगर महिलाएं ऑर्डर देने लगें तो सब उससे कतराते हैं। 2015 में टेस्को ने ब्रिटेन के कई शहरों में अपने रिटेल स्टोर्स के सेल्फ सर्विस चेकआउट्स में फीमेल वॉइस को हटाकर मेल वॉइस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसकी वजह ये थी कि ग्राहकों को औरत की बॉसी किस्म की आवाजों से शिकायत थी। महिलाओं के बॉसी होने से सबको चिढ़ होती है। आदमी धौंस देने के लिए चिल्लाएं डपटें तो लोग ज्यादा परेशान नहीं होते। यूनेस्को को इस तरह के रवैये से एतराज है। उसका कहना है कि डिजिटल असिस्टेंट्स के तौर पर महिला जेंडर का इस्तेमाल करने से लैंगिक भेदभाव को मजबूती मिलती है। लोगों को लगता है कि सिर्फ एक बटन दबाने से औरतें किसी को खुश करने के लिए तैयार हो जाती हैं। दरअसल सहायक की अपनी कोई एजेंसी नहीं होती, वो सिर्फ कमांडर की सुनता है। इसलिए ज्यादातर समुदायों में इस बात का बल मिलता है कि महिलाएं पुरुषों के अधीन होती हैं और खराब व्यवहार को भी बर्दाश्त कर सकती हैं। यूनेस्को ने अपील की है कि डिजिटल असिस्टेंट्स को बाय डिफॉल्ट महिला न बनाया जाए और एक जनरल न्यूट्रल मशीन पर काम किया जाए। बेशक महिलाओं के लिए तकनीकी आदर्श लोग
तो वही होगा जब वर्चुअल सहायता का काम लिंग विशेष से जुड़ा नहीं होगा। यूं भी कोई काम लिंग विशेष तक सीमित नहीं होना चाहिए।